नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल के में आपका स्वागत है। आज मैं कान्हा जी का ये खूबसूरत सा वुलन ड्रेस लाई हूँ। ये 2 नंबर कान्हा जी के लिए है। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसमें मैंने डोरी डाला है, देखिए ये खुलने पे ये ऐसा दिखाई दे रहा है। इसे आप चाहें तो सिल भी सकती हैं, साइड में आप चाहें तो सिल भी सकती हैं, चाहे खुला रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, चाहे तो इसे सिल सकती। तो मैंने इसे 2 नंबर के लिए बनाया है। यदि आपको बड़ा बनाना हो तो आप 4-4 फंदे ऐड कर सकते हैं, घेरे में 4-4 फंदे बढ़ाते जाएं, प्रत्येक नंबर के लिए 4 फंदे बढ़ाते जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पोशाक बनाते हैं। सबसे पहले हम 10 नंबर की सिलाई पे सिंगल धागे से 40 फंदे डालेंगे और एक लाइन उल्टा बुनेंगे। पहली लाइन में हम सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं और यहाँ पे हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लेंगे। सेकेंडरी कलर के उल से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे और इस धागे को ऐसे लपेटते जाएंगे। तो हमने सेकेंडरी कलर के उल से सभी फंदे उल्टे बना लिए। अब हम राइट साइड में हैं और वापस अब सभी फंदों को हम उल्टा ही बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे और फिर राइट साइड से सभी फंदों को उल्टा ही बुन लेंगे। यानी अब अपने प्राइमरी कलर के ऊन से हम 2 लाइन बुन लेंगे। तो 2 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 5 लाइन बुन लिया। पहली लाइन में हमने प्राइमरी कलर से सभी फंदे उल्टे बुने, फिर दूसरी लाइन में हमने सेकेंडरी कलर अटैच किया, सभी फंदे उल्टे बुने, फिर सामने से सभी फंदे उल्टे बुने, फिर यहाँ पे, फिर चौथी लाइन में हमने प्राइमरी कलर से सभी फंदे उल्टे बुने और 5वीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो हमने 5 लाइन बुन लिया है और ये देखिए हमारा बॉर्डर तैयार हो गया है। अब हम रॉन्ग साइड में है और ये हमारा 6ठा लाइन है। तो हम प्राइमरी कलर के ऊन से 4 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर 2 फंदा और बुनेंगे, यानी कि 6 फंदा हमने उल्टा बुन लिया। तो हम 6 फंदा हमने प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टा बुन लिया। अब 1 फंदा हम सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा बुनेंगे, फिर 3 फंदा प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टा, फिर 1 फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा, फिर 3 फंदा प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टा, फिर 1 फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा। तो इसी तरह हम 3 फंदे प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टा और 1 फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे, लास्ट के 4 फंदों को छोड़ के। तो मैं शेष फंदों को बुन के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में 5 फंदे बचे हैं जिन्हें हम प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टा बुन लेंगे। अब हम सामने की तरफ से हैं तो 4 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, प्राइमरी कलर के ऊन से 4 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, और चौथे फंदे को सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा, फिर 3 फंदे प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा, फिर 1 फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा, फिर 3 फंदे प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा, फिर 1 फंदा सेकेंडरी कलर से उनसे सीधा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमने
जो सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा बुना था, तो ये फंदा उसके दोनों साइड वाले फंदे प्राइमरी कलर के ऊन से सीधे हो जाएंगे। और देखिए, प्राइमरी कलर से तीन फंदे जो हमने बुने थे, तो बीच का फंदा ये सेकेंडरी कलर से सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सेकेंडरी कलर का ये फंदा है तो ये दूसरा हो जाएगा, और इसके दोनों साइड वाले फंदे, ये तीन फंदे हम प्राइमरी कलर के ऊन से सीधे बुनेंगे। अब देखिए, लास्ट में चार फंदे बचे हैं, तो ऊन अपनी ओर करेंगे, इन चार फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये हमारा आठवां लाइन है, तो हम छह फंदा उल्टा बुनेंगे। छह फंदा उल्टा बुना, फिर सातवें फंदे को हम सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा बुनेंगे, फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टे, और चौथा फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा, यानी कि हम अपना छठा लाइन दोहराएंगे। देखिए, छठा लाइन हम अपना दोहराएंगे, तीन फंदा प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टा और एक फंदा सेकेंडरी कलर के उल्टा। तो हम आठवें लाइन में अपना छठा लाइन दोहरा रहे हैं, तो लाइन पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये नाइन्थ रो है और सामने से, तो चार फंदा हम प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन दूसरी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा, चौथा फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा, फिर तीन फंदा प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा और चौथा फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा, यानी हम अपना सातवां लाइन दोहराएंगे। तो छठे और सातवें लाइन को ही हम दोहराते हुए लंबाई कंप्लीट करेंगे। तो लंबाई कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लंबाई कंप्लीट कर ली है, तो चलिए देखते हैं हमने कितना लाइन बुना है। तो पांच लाइन का हमारा ये बॉर्डर है, और छठे लाइन से यानी रॉन्ग साइड से हमने डिज़ाइन शुरू कर दिया है। तो चलिए गिनते हैं, देखिए ये छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, 16, 17 और 18, यानी 18 लाइन हमारा, ये टोटल 18 लाइन है। और धारी गिने तो देखिए, 3, 6 और 9, 9 धारियाँ पड़ी हुई हैं, 3 बॉर्डर की धारियाँ और 6 हमारे डिज़ाइन की धारियाँ। तो हमारा लंबाई कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने सेकेंडरी कलर को काट देंगे, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर जोड़ लेंगे। चार फंदा उल्टा बुनेंगे, अब उन दूसरी ओर करेंगे और दो दो फंदों को एक साथ लेंगे। अब हम इसमें घेरे में चुन्नट हमें लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक साथ लेके सीधा बुनेंगे, दो, और इस धागे को हम ऐसे लपेटते जाएंगे ताकि ये बंध जाए। दो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुन लेंगे। तो सभी डिज़ाइन के जितने फंदे हैं, यानी लास्ट के चार फंदों को जो छोड़कर, हम बाकी फंदों को दो दो करके बुन लेंगे।
तो हमने दो दो फंदों को एक साथ लेके बुन लिया। यहाँ पे 32 फंदे थे, 32, चार फंदे इधर और चार फंदे इधर, हुए टोटल 40। तो 32 फंदे थे, दो दो फंदे हमने लेके बुने, सीधे बुने, तो यहाँ पे हो गए 16 फंदे। तो चार फंदे ये हैं, चार फंदे ये, और बीच में 16 फंदे। अब उन अपनी ओर करेंगे और इन चार फंदों को जो बॉर्डर के फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए तो हम चार फंदों को उल्टा बुनेंगे, और अब दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। उल्टे में ही हम दो दो फंदों को एक साथ लेके और दो का एक करेंगे। तो हमारे 16 फंदे थे, दो फंदों को एक साथ लेंगे तो हो जाएंगे 8 फंदे। और लास्ट के चार फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, और रॉन्ग साइड से सब भी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ है तो चार फंदों को उल्टा बुन लेंगे, और जो बीच के हमारे घेरे के 8 फंदे हैं उन्हें वापस हम दो दो फंदों को एक साथ लेके उल्टा बुनेंगे। तो बीच में हो गए 4 फंदे, और लास्ट के चार फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं और अब सिलाई पे 12 फंदे हैं, तो 6 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, छह, और फिर यहाँ पे हम दूसरा ऊन अटैच करेंगे। तो हमने अपना दूसरा उल अटैच कर लिया, अब हम दूसरे उल से इन 6 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए अब हमारे 6-6 फंदे दोनों साइड में हो गए। अब इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, ये हम गला बना रहे हैं, इस साइड के अलग बुनेंगे और इसे हम अलग बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड को अलग अलग बुनते हुए हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 धारियां बना ली है। अब हम फिर सामने की तरफ हैं तो हम 6 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब हम दूसरे वाले धागे को काट देंगे और गांठ लगा देंगे, इसे हम अंदर की तरफ कर देंगे, और अब दोनों साइड को इकट्ठे एक साथ हम बुनेंगे। इधर के भी 6 फंदों को हम इसी धागे से उल्टा बुनेंगे, और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे उल्टे बुनेंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए। तो मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। दोनों हिस्सों को एक साथ लेने के बाद हमने 6 लाइन और बुना, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए 6 लाइन यानी 3 धारी और बना दिया। तो अब देखिए यहाँ से जहाँ से हमने इसे अलग किया है वहाँ से हमारा धारी कितना है, 2, 4, 6, 8 और 10। दोनों साइड अलग होने के बाद से यहाँ से हमारे हमने 10 धारी बना ली, और अब जिस तरह हमने इसने डिक्रीज किया था उसी तरह हम फंदों को इंक्रीज करेंगे। जैसे हमने यहाँ घटाया था वैसे ही अब हमें बढ़ाना होगा। तो साइड के 4-4 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, 1, 2, 3, 4, और अब हम इन चार बीच के 4 फंदों को हम 8 फंदा बनाएंगे। एक बार उल्टा बुना और फिर घुमा के फिर हम एक बार और उल्टा बुनेंगे, दो हुआ, फिर देखिए एक फंदा हमने उल्टा बुना, इसे हमें गिराना नहीं है,
पीछे की तरफ से ऐसे घुमाएंगे और फिर एक और उल्टा फंदा बना लेंगे। उल्टा बुना, फिर पीछे की तरफ से एक और उल्टा। देखिए हमने उल्टा बुना, इसे हमें गिराना नहीं है बल्कि पीछे ऐसे घुमा के अब दूसरे फंदे को भी हम उल्टा बना लेंगे। तो देखिए बीच के चार फंदों को हमने आठ फंदे बना लिए और साइड के चार फंदे इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं तो चार फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और बीच के आठ फंदों को हमें 16 करना है, यानी दो दो बार बुनना है। एक बार बुना, फिर पीछे इसे घुमाया और फिर इसी में एक बार और उल्टा। उल्टा बुना, फंदे को पीछे की तरफ से ऐसे घुमा के एक बार और उल्टा बुना। तो चार से आठ हुए थे, इस समय आठ से 16 हो गए। लास्ट के चार फंदे उल्टे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए तो साइड साइड के चार चार फंदों को छोड़कर बीच के जो 16 फंदे हैं उन्हें हमें एक फंदे से दो फंदा करना है, यानी इसे हम 16 से 32 फंदे कर लेंगे। चार फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और बीच के 16 फंदों को हमें दो बार बुनना है और 16 से 32 फंदे कर लेने हैं। तो हमने 16 फंदों को 32 फंदे कर दिए। अब चार फंदे लास्ट के बचे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं तो चार फंदों को उल्टा बुनेंगे और अब हम अपने सेकेंडरी कलर को अटैच कर लेंगे क्योंकि अब हमें डिजाइन बनाना है। तो सेकेंडरी कलर के ऊन से चार फंदे बुनने के बाद सेकेंडरी कलर के ऊन से एक फंदा उल्टा, तीन फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे, दो और तीन, फिर एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, तीन फंदा प्राइमरी कलर से, चौथा फंदा सेकेंडरी कलर से, तीन फंदा प्राइमरी कलर से और चौथा फंदा सेकेंडरी कलर से बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। तो सेकेंडरी कलर से बुनने के बाद लास्ट में सात फंदे बचे हैं जिन्हें हम प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टा बुन लेंगे। अब हम सामने की तरफ आ गए हैं तो चार फंदा हम उल्टा बुनेंगे और उन दूसरी ओर एक फंदा सीधा और अब अगला फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर से सीधे और अगला फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, यानी हम अपने डिज़ाइन को अब बनाना शुरू कर देंगे और 12 लाइन बनाएंगे। डिज़ाइन को बनाते हुए 12 लाइन बनाएंगे, साइड साइड के चार चार फंदे हम दोनों साइड से उल्टा बुनेंगे। तो इतना बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाते हुए 12 लाइन कंप्लीट हो गया है और अब हम रॉन्ग साइड से हैं तो अब हम अपने प्राइमरी कलर के उल से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। प्राइमरी कलर के उल से पूरी लाइन उल्टी बुन लेंगे। अब हम सामने की तरफ से भी सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। अब हम ये बॉर्डर बना रहे हैं तो एक लाइन हमने बुन लिया, दूसरा लाइन हम उल्टा बुनेंगे। इसी तरह लाल रंग के ऊन से भी दो लाइन बुनेंगे। तो हमने सेकेंडरी कलर के उल से भी दो लाइन उल्टा उल्टा बुन लिया। अब इस धागे का काम नहीं है तो इसे हम काट देंगे।
और इसे लपेटते जाएंगे। तो हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम सामने की तरफ से हैं और हम उल्टा बुनते हुए सभी फंदों को घटाएंगे। दो दो फंदों को एक साथ लेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे, फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। तो हम उल्टा बुनते हुए सभी फंदों को घटा देंगे। तो मैं आपको फंदे बाइंड ऑफ करके दिखाती हूँ। और अब हम इसको काट देंगे और इसे अंदर की तरफ कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सा कान्हा जी का ड्रेस बनके तैयार है। इसमें हम डोरी लगा देंगे और साइड से सिल देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। देखिए ये गला वाला ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे हम इसको इसमें डोरी लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें डोरी लगा दी। ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट। ऐसे कान्हा जी को पहना के हम ऐसे डोरी लगा बांध देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सा पोशाक, आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।